आप सब अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो क्या आप भी कंफ्यूज हैं कौन सा फेस वॉश सर्दियों में यूज़ करें, कौन सा गर्मियों में यूज़ करें, ऐसा कौन सा फेस वॉश है जो हर मौसम में यूज़ करें, या फिर आपके एक्ने स्पॉट्स को क्लियर करें और आपके स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथन कर दे। तो आइए आज मैं आपके इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके ईजी एंड इफेक्टिव DIY फेस वॉश जिसको आप घर भी ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज बेसन। बेसन से सबसे अच्छा क्लेंजर कुछ हो ही नहीं सकता स्किन के लिए। इसके रेगुलर यूजेज से आपके स्किन के डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्पॉट्स फेड होने लगेंगे। ये आपके स्किन के pH को बैलेंस करता है और आपकी स्किन को स्मूथ और क्लियर बनाता है। सो द सेकेंड वन इज मुल्तानी मिट्टी। आपकी स्किन पर जो एक्सेस ऑयल आ जाती है जिससे फेस चिपचिपा लगता है, मुल्तानी मिट्टी उसे एक्सट्रैक्ट करती है और आपके स्किन पर से एक्ने को रिड्यूस करती है। थर्ड वन इज चंदन पाउडर। चंदन पाउडर है कूलिंग सेंसेशन। ये आपके ड्राई और डैमेज स्किन को रिपेयर करती है और सूथ करती है। लास्ट वन इज कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी कड़वी होती है इसलिए हम इसे खाने में यूज़ नहीं करते। कस्तूरी हल्दी हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज। ये आपके किसी भी बैक्टीरियल एक्ने को जड़ से ख़त्म करती है। सो चलिए अब हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं वो जानते हैं। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून बेसन ले रही हूँ, 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, 1 टेबलस्पून चंदन पाउडर एंड 1/2 टेबलस्पून कस्तूरी हल्दी। आप किचन हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा आप इसकी क्वांटिटी कम कर दें। आप पिंच ऑफ किचन हल्दी ले सकते हैं। और अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छी तरह मिलाएं ताकि ये एक सार हो जाए। आप इन सभी की क्वांटिटी की रेशियो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा बना लें। अब आप इसे किसी भी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हो सके तो आप इसे कांच की बॉक्स में ट्रांसफ़र करें, मेरे पास यही था इसलिए मैंने इसी में ट्रांसफ़र कर लिया। अगर आप इन सभी चीज़ों में से किसी चीज़ से एलर्जिक हो या आपको सूट नहीं करता है तो आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। बाकी 3 चीज़ भी मिलकर बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। तो चलिए अब हम इसके एप्लीकेशन को देखते हैं कि हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाउल में निकाल लूँगी और मैं इसे फ़िलहाल पानी के साथ मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो गुलाब जल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये DIY फेस वॉश है, हम डेली यूज़ करेंगे तो हम पानी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। और इसे अपनी मैं हाथ पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। सो अब मैं इसे आपको वॉश करके दिखाऊंगी कि रिज़ल्ट कैसा रहा। ये देखिए एक ही वॉश में कितना ग्लोइंग हो गया है। आपका स्किन भी इसी तरह ग्लो करने लगेगा और आपकी स्किन ग्लोइंग और फ्लॉलेस हो जाएगी। सो गाइज आप ये फेस वॉश डेली यूज़ करें और हमें अपना रिजल्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।